जैन साथियों, मैं कमांडो जीवराज। साथियों, आप सब जानते हैं कि 4 तारीख से झुंझुनू एआरओ की अग्निवीर की सेना रैली भर्ती बीकानेर केशवानंद स्टेडियम में होनी है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज का यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जो बच्चे पहली बार भर्ती देख रहे हैं या जो बीकानेर के बाहर से आ रहे हैं, दूसरे जिलों से आ रहे हैं, उनको वहाँ के हालात, ग्राउंड के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, कैसे पहुँचा जाए, रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से अवगत करवाएंगे। ग्राउंड कच्चा है, पक्का है, कितने का बैच बनेगा, किस प्रकार बैच बनेगा, एंट्री कितने बजे आपकी, इन सब बातों को आपको तसल्ली से इस वीडियो में समझाया जाएगा। तो साथियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखें, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथियों, बीकानेर केशवानंद स्टेडियम में झुंझुनू एआरओ की भर्ती है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एवं बीकानेर। बीकानेर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में केशवानंद स्टेडियम स्थित है। यह भर्ती 4 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में चलेगी। इसमें सबको एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और तहसील वाइज इसमें रनिंग होगी। साथियों, केशवानंद स्टेडियम गंगानगर हाईवे के ऊपर है, स्थित है, और इसमें एंट्री का टाइम, गेट रात को 1 बजे खुलेगा, 1 से 6 बजे तक गेट खुलने का समय है, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा और रात को 2 बजे आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो बच्चा बाहर से आ रहा है वो या तो पहले पहुँचे या 6 बजे से लेट ना हो। साथियों, केशवानंद स्टेडियम काली मिट्टी और राख के मिश्रण से बना हुआ ट्रैक है, लेकिन अब उस ट्रैक में बदलाव कर दिया गया है, उसके ऊपर बालू मिट्टी डाल दी गई है। तो आप अगर नंगे पांव रनिंग करते हैं तो उस ट्रैक पर आराम से रनिंग कर सकते हैं, और जो बच्चे जूतों में दौड़ने के आदी हैं वो भी प्रैक्टिस करके आए, अगर उनको रनिंग अच्छी तरह से क्लियर करनी है तो। साथियों, पुराने ट्रैक पर जब बालू मिट्टी नहीं डाली गई थी, उससे पहले लगभग 4:50 और 4:55-5 के बीच का जो टाइमिंग वाला बच्चा था, उसमें रनिंग कंप्लीट होने की संभावना थी, रनिंग पास होने की संभावना थी, लेकिन अब अगर बालू मिट्टी डाल दी गई है तो थोड़ा सा वक्त आपको ज़्यादा लगेगा इसमें। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप पुरजोर कोशिश कीजिएगा, रनिंग आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। साथियों, मेन हाईवे पे केशवानंद स्टेडियम का गेट खुलेगा, वहाँ पर बच्चों की एंट्री होगी और लगभग 250 से 300 बच्चों की एंट्री होनी है, एक साथ में एक बैच बनना है। और अब तरीका क्या है, इसमें 2 प्रकार की रनिंग करनी है आपने। पहले बैच बनेगा, उसको बैठा देंगे, एक बैच को स्टार्ट पॉइंट पर लेके जाएंगे। जब फर्स्ट रनिंग जो कर रहा है 1600 मीटर की, उस बैच की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फेलियर को बाहर निकाल दिया जाएगा और पास बच्चों को साइड में कर दिया जाएगा। तब आपको जो बाहर बैच वेट कर रहा है उस बैच को गो बोला जाएगा स्टार्ट पॉइंट के लिए। ये दूरी 100 से 200 मीटर के बीच की हो सकती है, तो उस समय भी आपको तेजी से जोर लगाकर वहां तक पहुंचना है, स्टार्ट पॉइंट तक, ताकि आपका नंबर आगे आ सके। इस दौरान ध्यान रखना है गिरना नहीं है, नहीं तो आपके घुटने में डैमेज हो सकते हैं। साथियों, आपकी एंट्री रात को 1 बजे है, तो आपका फिजिकल यानी रनिंग आपकी 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी 2 बजे रनिंग होती है तो जाहिर सी बात है आपको उस समय खाली पेट होना चाहिए। तो आप जिस समय रात को गेट में एंट्री करते हैं, उससे पहले वाली शाम को खाना ना खाएं। वो खाना जो शाम को खाते हैं वो 3 से 4 घंटे पहले खा लें, यानी दोपहर के बाद में 3 बजे 4 बजे खाना खा के 12-1 बजे से पहले पेट खाली करो, फ्रेश हो जाओ अच्छी तरह से। फ्रेश होने के बाद में गेट में एंट्री करो। आपके बैग में ग्लूकोन डी, ग्लूकोज वगैरह का लिक्विड होना चाहिए कुछ ना कुछ, या एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए साथ में। आप अगर भूख लगती है या एनर्जी डाउन होती है तो आप चॉकलेट लेके जा सकते हैं, अच्छी चॉकलेट लेके जाएं, जिससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक बनी रहेगी और थकान नहीं आएगी। साथियों, 250 से 300 का बैच बनना है, और अगर एक बैच में
कोई ज़्यादा गैप देने वाला लड़का नहीं है, तो उसमें बैच में से 20 से 25 बच्चे कॉमन, बाकी एआरओ बीआरओ की कंडीशन देखते हैं तो पकड़े जा रहे हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, 20 से 30 लड़कों के बीच में यहाँ पर पकड़े जाएंगे और बाकी बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, केशवानंद स्टेडियम पहुँचने के लिए आपको बीकानेर पहुँचना है। अब बीकानेर में ट्रेन भी उपलब्ध है और बस भी उपलब्ध है, और आप कैब से भी आ सकते हैं। तो केशवानंद स्टेडियम बीकानेर जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा स्टेशन है लालगढ़, लालगढ़ से यह दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, 4 से 4.5 किलोमीटर है। रोडवेज स्टैंड और लालगढ़ रेलवे स्टेशन दोनों नज़दीक हैं, तो सेम 4 किलोमीटर की दूरी रोडवेज स्टैंड से पड़ती है, 4 या 4.5 किलोमीटर ही। और प्राइवेट बस स्टैंड वहीं पर नज़दीक है, जो कि 10 मिनट की पैदल डिस्टेंस पे, और या दूरी माने तो 2 किलोमीटर की होती है। बीकानेर का मुख्य चौराहा है गंगानगर चौराहा। गंगानगर चौराहा जिसको भीमसेन सर्किल भी बोलते हैं, तो भीमसेन सर्किल से गंगानगर की तरफ जो रोड जाती है, उस रोड पर चलने के बाद में लगभग 5.5 किलोमीटर चलेंगे तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है। उसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर की साइड में केशवानंद स्टेडियम बना हुआ है। साथियों, गंगानगर चौराहे से अगर कोई साथी पैदल नहीं जाना चाह रहा, तो वहाँ से काफ़ी मात्रा में ऑटो उपलब्ध हैं, तो आप ऑटो वाला 10 रुपये या 20 रुपये लेता है, ऑटो में बैठ के भी केशवानंद स्टेडियम तक पहुँच सकते हैं। जो साथी दूर से आ रहे हैं उनसे आग्रह रहेगा कि वो या तो सुबह आए या एक दिन पहले आए। अब इसमें समस्या आएगी कि बच्चों को, बाहर के बच्चों को नहीं मालूम कि बीकानेर में रहने की कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो मैं आपको बता दूं साथियों, बीकानेर में हर एक समुदाय का लगभग धर्मशाला बना हुआ है, जैसे बिश्नोई धर्मशाला बना हुआ है, जाट धर्मशाला बना हुआ है, और राजपूत कम्युनिटी का विदासर हाउस नाम की धर्मशाला है, और एक मोथा धर्मशाला है। इस तरह से वहाँ काफ़ी सारी धर्मशालाएँ बनी हुई है, आप उनमें स्टे कर सकते हैं। और आप चाहें तो गंगानगर रोड के ऊपर, गंगानगर चौराहे से स्टेडियम के बीच में भी काफ़ी होटल बने हुए हैं, आप होटलों में भी रुक सकते हैं। और बेहतर यह रहेगा कि आप अपने बैग में एक दरी और एक बेडशीट डाल के रखें, और वहीं पर कहीं पेड़ के किनारे अच्छी छांव देखकर यूनिवर्सिटी के आसपास ही आराम करें, और खाने का सामान और पानी का अपना घर से लेके आएं, क्योंकि खाना अगर बाहर से खाएंगे तो लास्ट मोमेंट में हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, जिससे आपका पीछे की हुई मेहनत सारी बेकार हो सकती है। दोस्तों, आप इस भर्ती में अपने डॉक्यूमेंट के खुद जिम्मेवार हैं, उनको संभाल के रखिए, डॉक्यूमेंट गुम नहीं होने देना है। साथ में हमने इस वीडियो में ग्राउंड के बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की है। अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें 1600 मीटर की रनिंग कैसे करनी है, बैच में कैसे बैठना है, कौन से राउंड में कितना जोर लगाना है, किस तरह से रनिंग करनी है, ये सारी बातें अगली वीडियो में अवगत करवाएंगे। तो दोस्तों, आप यूं ही प्यार देते रहिए, हम आपके लिए नई नई जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कॉमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि वही हमारे लिए एनर्जी है। थैंक यू, लव यू, जय हिंद।